नमस्ते, राम राम। स्ट्रगल कबड्डी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हमें नन्हे मुन्ने बच्चों को बताएंगे प्लेयर कितने होते हैं, कितने अंक होते हैं, टाइम आउट कितने होते हैं, और इनको ये बात है आज सिखाएंगे। पिछली वीडियो में आपको क्या 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 सिखाया था, क्या सिखाया था ना। प्लेयर भी बता दिए थे अभी कितने होते हैं। सात। बार कितने होते हैं, ग्राउंड कितने मीटर का होता है, कितना होगा, टचलाइन है यहाँ से यहाँ तक, नीचे वाली दो मीटर, 12 प्लेयर होते हैं। अब ग्राउंड के अंदर 7 ही प्लेयर खेलते हैं, ठीक है। कितने खेलते हैं, 7। कितने मिनटों का मैच होता है, 30 मिनट। पहले 10 मिनट का मैच होगा छोटे बच्चों का, कितने मिनट का, 10 मिनट का। उसके बाद है हाफ टाइम हो जाएगा मैच का, पहले 10 मिनट खेलेंगे फिर हाफ टाइम हो जाएगा, फिर कोर्ट है ना अपना, कोर्ट किसे कहते हैं, ग्राउंड। ये इधर खेले हम तो हाफ टाइम बाद है उधर हो जाएंगे, ग्राउंड अपना कोर्ट बदला जाएगा, ठीक है। क्या होगा हाफ टाइम बाद, ठीक है, याद रखना है ये। उसके बाद है बाउंस, कितने प्लेयर अंदर होंगे, बाउंस कितने प्लेयरों में होता है, अगर अगर हमने बाउंस का नंबर लेना है तो कितने कितने प्लेयर अंदर होंगे तो होगा, जब 6 और 7 प्लेयर डिफेंस लगा रहे होंगे तभी बाउंस होगा, 5, 4, 3, 2, 1 में बाउंस नहीं होगा, ठीक है। बाउंस कितने में होगा, 7 और 6 में। कितने में, 7 और 6 में, ठीक है। उसके बाद 5, 3, 2, 1 कितने भी उससे कम है, 5, 6 से कम जितने भी प्लेयर होंगे उन्हें नहीं गिना जाएगा, बाउंस नहीं होगा, बिना तो जाएगा। अब अगर अपनी टीम सारी बार बैठेगी, सारों के हाथ लग गया, सारे प्लेयर जितने बार बैठेगी तो 2 पॉइंट मिलेगी, कितने मिलेंगे, 2 पॉइंट। वैसे तो मिलेंगे 3, एक प्लेयर का और एक सारे उन्हें बार किए उनके, ठीक है। यही हम अगर बार बैठेंगे तो भी तो 2 मिलेंगे, एक जो प्लेयर अंदर था, एक दो 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 बार सारी टीम को हमने बार बिठाया, सामने वाली टीम को बार बिठाया, इसलिए इसलिए अब हाफ टाइम के अंदर 10 से 10 मिनट का मैच होगा, कितने मिनट का होगा, 10 मिनट का। फिर 5 मिनट का रेस्ट होगा, फिर हमारा कोर्ट बदला जाएगा, फिर 10 मिनट का मैच होगा, ठीक है। आगे सुन, ठीक है ये। अब उस 10 मिनट में हमें कितनी बार हम मैच को आराम के लिए रोक सकते हैं, पानी के लिए रोक सकते हैं, या प्लेयर चेंज करने के लिए रोक सकते हैं, पहले हाफ में, पहले 10 मिनटों में या दूसरे 10 मिनटों में कितनी बार मैच रोक सकते हैं, 2 बार। कितनी बार, 2 बार। 2 से ज़्यादा बार अगर हमें टाइम, उसे कहते हैं टाइम आउट, ठीक है। 2 मिनट का ब्रेक मिलेगा, उसमें हम प्लेयर चेंज कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं और हमारे कोच साहब हमें समझा सकते हैं क्या क्या होगा, हाँ प्लेयर बदल सकते क्या कर सकते हैं, प्लेयर बदल सकते। हाफ टाइम से पहले 10 मिनटों में कितनी बार होगा, कितने ले सकते हैं हम टाइम आउट, 2। हाफ टाइम के बाद कितने ले सकते हैं, 2। दो ही पहले, 2 ही बाद में, उसमें प्लेयर चेंज कर सकते हैं, ठीक है, पानी पी सकते हैं, हमारे लगे कुछ भी कर सकते हैं, ग्राउंड से बाहर नहीं जाना है। अगर कोई प्लेयर उस टाइम आउट के अंदर ग्राउंड से बाहर जाएगा तो वो आउट हो जाएगा,
ठीक है भाई। अगर समझना है ठीक है, अगर ये आप बाउंस ना लिया, अगर हम बाउंस नहीं लेते हैं तो सारी टीम अगली टीम को ऑल आउट करते हैं, या हमें ऑल आउट करेगी अगली टीम, बाहर बिठाएगी। बाहर बैठने को क्या कहते हैं? ऑल आउट। सारे आउट हो गए तो क्या हो गया? ऑल आउट ही हो गया। जैसे लोना लग गया, लोना मतलब सारे बार हो, ऑल आउट भी नहीं सारे बार हो, ठीक है? नहीं समझ लो आगे। अगर हम बाउंस नहीं लेते हैं, अगली टीम को बाहर बिठाएंगे तो नौ नंबर मिलेंगे। नौ नंबर कैसे मिलेंगे? सात तो प्लेयरों के, दो एक्स्ट्रा हमने सारी टीम को बाहर बिठाया, यानी कि अभी बताया था ऑल आउट किए अगली टीम को, ठीक है या नहीं है? ठीक है। अब तीन प्लेयर अगर हमारे ग्राउंड के अंदर होंगे और विरोधी टीम का रेडर रेड मारने आ गया और हमने तीन खिलाड़ी है, कितने तीन खिलाड़ी हमारे हैं, रेडर आ गया पकड़ लिया, तो कितने नंबर मिलेंगे? दो प्लेयर पकड़ेंगे तो भी दो, एक प्लेयर पकड़ेगा तो भी कितने नंबर मिलेंगे? इसे क्या कहते हैं? सुपर टैकल। कितने 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 प्लेयर होंगे सब मिलेंगे दो नंबर? एक, ठीक है। नहीं उससे ज़्यादा होंगे तो एक ही नंबर मिलेगा, कितने? कितने? एक नंबर। उससे कम, तीन से कम होंगे, चार से कम होंगे, फिर दो, कितने मिलेंगे? दो। कितने मिलेंगे? दो ही मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे? अब इस तरह मैच चलता रहता है और 20 मिनट के बाद देखा जाता है कि स्कोर है किसका ज़्यादा है। यह मतलब नहीं है भी कितनी बार हमने उनको बाहर बिठाया है, कितनी बार अंदर किया है, यह मतलब नहीं है, स्कोर ही गिना जाएगा। अगली टीम ने पकड़े नहीं, बाउंस ले लिए, हमने पकड़ा ही नहीं, हाथ लगाकर आगे या एक आधी रेड में नहीं लगाया, उसने सारी रेडों में बाउंस लिया है, वही जीतेगा। एक रेड कितनी सेकंड की होती है? 30 सेकंड की। 30 से ज्यादा होगी तो वो रेडर आउट हो जाएगा। और लगातार हमारे रेडर अगली टीम के अंदर दो खाली रेड मारकर आगे, तो तीसरी रेड टू डाई रेड होगी। टू डाई का मतलब उसमें अंक लाना ही लाना है। क्या करना है? कितनी रेड खाली कर सकते हैं? दो ही। कितनी? दो। उसके बाद कौन सी रेड होगी? दो। उसमें क्या करना होगा? हाथ नहीं लगाया तो आउट हो जाएगा, ठीक है। हाथ प्लेयर होते हैं, उसके अंदर रेडर कितने होंगे टीम में? हाथों में सात ही रेडर होंगे, तीन रेडर होंगे, चार डिफेंडर होंगे। कौन कौन से होंगे डिफेंडर? राइट कवर, लेफ्ट कवर, राइट कॉर्नर, लेफ्ट कॉर्नर। कितने होंगे चार रेडर? कितने होंगे? वो तो आपकी मर्जी है, दो खिलाओ, तीन खिलाओ, चार खिलाओ, बाकी डिफेंडर चार ही होंगे। कौन कौन से? राइट कवर, लेफ्ट कवर, राइट कॉर्नर, लेफ्ट, ठीक है, रेडर। कितने होंगे? आगे समझ में, और दोबारा पूछूंगा, ठीक है। बाउंस के कितने पॉइंट होते हैं? एक। कितनों में होगा बाउंस? कितने प्लेयर ग्राउंड के अंदर होंगे तो बाउंस मिलेगा?
6 और 7 कितने? 6 और 7 सुपर टैकल कब होगा? 2 अंक कब मिलेंगे? अगर हमारे ग्राउंड के अंदर 2 या 3 या 1 प्लेयर है, हम हेडर को पकड़ेंगे तो मिलेंगे 2 पॉइंट। कितने 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 बंदे हो, कितने प्लेयर होंगे तो मिलेंगे? 3। दिमाग से सोच के बताना है, ठीक है? टूटा रेड कौन सी होगी? तीसरी रेड। कौन सी? तीसरी रेड। हमारे सारे प्लेयर बाहर है, सामने वाली टीम ने हमारे सारे प्लेयर बाहर बिठा दी तो उसे क्या कहेंगे? कितने पॉइंट मिलेंगे फिर सारे प्लेयर हम बाहर बिठाएंगे? 2। कितने मिलेंगे? 2। कितने मिलेंगे? 2। टाइम आउट कितने होते हैं पहली 10 मिनटों में? 2। दूसरी 10 मिनटों में? 2। और अगली वीडियो हम बनाएंगे छोटे बच्चों को एक्सरसाइज कौन सी करानी है, और खेलने से पहले वार्म अप के लिए, खेलने के बाद स्ट्रेचिंग सिखाएंगे भी छोटे बच्चों को एक्सरसाइज कौन सी करवानी है और क्या क्या एक्सरसाइज छोटे बच्चों के लिए कबड्डी प्लेयर हैं उनके लिए होगी, ठीक है? ठीक है, कौन सी बनाएंगे? कौन सी बनाएंगे? एक्सरसाइज। कौन सी? एक्सरसाइज। ठीक है, पता लग गया ग्राउंड का, प्लेयर कितने होते हैं, कितने अंक मिलेंगे, टू डायरेक्ट कौन सी है, सुपर टेकल कौन सा है, पता लग गया? नहीं लगा। अगर 2 डायरेक्ट में रेड खाली आ जाता है तो क्या होगा? आउट होगा। मैच कितने मिनटों का होगा? 30 का होगा या 10 या 20 का? वो तो मैच करवाने वाले पर निर्भर होता है, या 10 का कराएगा या 15 का, पर मैक्सिमम है छोटे बच्चों का अंडर 14 से जो नीचे है उनका 15 मिनटों का ही होगा। 15 मिनट हाफ टाइम के बाद 15 मिनट अब टाइम कितने मिनट का होगा? टाइम आउट जो लेंगे वो कितने मिनट का होगा? 2 मिनट। ठीक है, आगे समझ में या नहीं आई?